गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा। स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी कभी नहीं कहते हैं अगर आप सत्संग जाते हो तो आप मंदिर वगैरह ना जाया करें, ना ही वो कहते हैं कि आप पूजा मत किया करो या फिर व्रत वगैरह रखने के लिए भी बाबा जी कभी मना नहीं करते हैं। अगर कोई बंदा सत्संगी है और वह मंदिर भी जाता है, इससे बाबा जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबा जी लेकिन हमें ये बात ज़रूर समझाते हैं, कभी भी अगर हम भक्ति करते हैं तो किसी एक मालिक की करनी चाहिए, क्योंकि मालिक तो एक ही है। और बाबा जी साथ ही साथ ये भी कहते हैं, अगर हम सत्संगी है और हमारे घर में कोई गैर सत्संगी है, वो भगवान को मानते हैं, तो भी हमें इस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंजिल और मकसद तो सबका एक ही है। और बाबा जी कहते हैं अगर वो भगवान को मानते हैं तो ये सोचो किसी को तो वो मानते हैं ना, तो कभी भी इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। यह घटना भी एक ऐसे ही सेवादार की है जो कि सत्संगी था और उसका सत्संग की तरफ काफ़ी लगाव था, काफ़ी मतलब कि झुकाव उसका सत्संग की तरफ था, लेकिन जो इनकी पत्नी थी वो सत्संगी नहीं थी। और जब ये अपनी पत्नी के मुंह से भगवान देवी देवताओं के चमत्कारों को सुनते थे तो इनकी दिलचस्पी पाठ पूजा की तरफ हो जाती थी और ये पाठ पूजा भी करने लगते थे। ये भाई अपनी पत्नी के कहने पर भी व्रत वगैरह भी रख लिया करते थे। इनकी पत्नी ने अपने पति के मन में यह बात डाल दी थी कि बाबा जी से जुड़ोगे तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर देवी देवताओं से जुड़ोगे और व्रत वगैरह रखोगे तो जीते जी सारे ऐशो आराम मिल जाएंगे। अब ये सेवादार भाई बहुत ही कंफ्यूज था, तो इसने एक बार डिसीज़न लिया कि मैं भजन सिमरन भी करूँगा और पाठ पूजा भी करूँगा। एक बार इस भाई को अपने कारोबार में कुछ नुकसान हो गया और जिस वजह से इसको बाहर से कर्ज लेना पड़ गया। जब इसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उनकी पत्नी ने इस भाई से बहुत ही लड़ाई करी और इनकी पत्नी इन्हें पंडित जी के पास भी लेकर गई। पंडित जी ने इस भाई की कुंडली देखी और इसको कर्ज मुक्त होने के लिए, कारोबार में दोबारा मुनाफा पाने के लिए 11 दिन का बड़ा ही सख्त उपवास रखने की सलाह दी। पंडित ने कहा कि अगर आप 11 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक टाइम और वो भी सिर्फ कुछ फल खाकर व्रत को पूरा करोगे तो आप जल्द ही अपने इस कर्ज से बाहर आ जाओगे और कारोबार में आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी मिलेगी और आपका कर्जा इस तरीके से जल्दी भी उतर जाएगा। यह सुनते ही इस भाई की पत्नी ने एकदम से हामी भर दी, क्योंकि इसकी पत्नी को तो पहले से ही यही लगता था कि व्रत रखने से सब कुछ हासिल हो जाता है। तो पंडित के कहने पर इस भाई ने भी यही मान लिया कि व्रत में ही बड़ी ही ताकत है और 11 दिन का इस भाई ने व्रत रख लिया। व्रत करने के बाद भाई ने बड़े ही सख्ती से व्रत का पालन करना भी शुरू किया। लेकिन साथ संगत जी, जब हम शरीर के दायरे में आते हैं तो हमें भूख प्यास दर्द सुख दुख हर चीज़ का एहसास होता है। दर्द को तो इंसान लंबे समय तक झेल सकता है, लेकिन भूख और प्यास के बिना बहुत दिनों तक इंसान नहीं रह सकता है। व्रत के शुरुआती दिनों में इस भाई ने पूरे दिन में सिर्फ 2 सेब खाए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और 6ठा दिन आते आते इस भाई को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और इस भाई को जो भी लोग देखते थे वह समझ जाते थे कि इस भाई की तबीयत ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि 5 दिन से बिना कुछ खाए गाल और आंखें सब अंदर धंसने लगी, शरीर एकदम कमज़ोर लग रहा था। इन 5 दिनों में ये भाई 1 से 2 बार ही सेवा पर भी गया था और वहाँ भी इसने अपने सभी सेवादारों से अपने व्रत रखने की बात बताई तो सभी ने इसको समझाया
कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम क्यों फालतू के चक्रों में पड़े हो। लेकिन ये भाई नहीं माना, क्योंकि इसके ऊपर तो तरक्की पाने का भूत सवार हो गया था और पंडित ने तो इसके और इसके पत्नी के दिमाग में ये बात डाल ही दी थी। अभी तो 6 दिन अब और बचे थे, लेकिन इस भाई की इतनी हालत नहीं थी कि ये आगे व्रत को लेके जाए। लेकिन फिर भी इस भाई ने हिम्मत दिखाई और व्रत को 11 दिन पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। साध संगत जी, अब इस भाई की हालत ऐसी थी कि भजन सिमरन करना तो छोड़ो, इससे खुद का शरीर भी नहीं संभल रहा था। जो सत्संगी एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि भजन सिमरन ना करता हो, अब व्रत की वजह से उसका अचानक से भजन सिमरन भी छूट रहा था। ऐसे करते करते पूरे 10 दिन बीत गए और नौबत आ गई कि सेवादार भाई को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने सेवादार की पत्नी को कह दिया कि अगर आज खाना ना खिलाया गया तो इनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। लेकिन सेवादार की पत्नी कहाँ मानने वाली थी, उस पर तो अपने काम की तरक्की का भूत सवार था ही। वो कहने लगी, जी इन्होंने बड़ी तरक्की पाने के लिए कठिन तपस्या करी है, सिर्फ 1 दिन ही बाकी है, वो भी जैसे तैसे निकल जाएगा। अगर आज इन्होंने कुछ खा लिया तो इस तपस्या को फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। इतना सुनते ही डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए और डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप और डॉक्टरों ने कहा भाई इस भाई को भर्ती तो हमने कर लिया है, लेकिन आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए जिस पर ये लिखा था कि अगर इस भाई को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी होगी और अस्पताल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और उनकी पत्नी ने कागज़ पर साइन भी कर दिए, क्योंकि पत्नी को यकीन था कि उस भाई को कुछ नहीं होगा। इधर बाबा जी ने जब इस सेवादार के साथी सेवादार से इसकी जानकारी मिली तो उसने बाबा जी को सारी बात बताई। बाबा जी ने लंगर को पैक करवाया और उसी समय सेवादार से मिलने अस्पताल पहुंच गए। बाबा जी को देखकर सेवादार बहुत ही मतलब हैरान हुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा जी ने सेवादार से कहा कि बेटा तू किन चक्रों में पड़ गया है। व्रत बनाए गए थे कि 1-2 महीने में एक बार पेट को खाली रखा जाए, जिससे कि हमारे शरीर की अंदरूनी अंगों की सफाई हो सके और उनको आराम मिल सके। लेकिन आप लोगों ने तो ये व्रत का कैसा मतलब निकाल लिया। व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई भी काम अगर सही तरीके से ना किया जाए वो नुकसान तो देता ही है। और यह सोचकर व्रत रखना कि ऐसा करने से हमें मालिक कुछ देगा, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। ऋषि मुनियों के ज़माने में व्रत सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की अंदरूनी सफाइयों के लिए रखे जाते थे, लेकिन आज हम कभी भी व्रत रखते हैं तो सोचते हैं व्रत रखने से भगवान खुश होंगे और जो हमारी मनोकामना है वह पूरी कर देंगे। हम अपने फायदे के लिए ही व्रत रखते हैं, ना कि भगवान को खुश करने के लिए। हम सोचते हैं कि व्रत रखेंगे तो हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे। अगर हम व्रत रखते भी हैं तो व्रत का भी कुछ शायद फ़ायदा मिल सकता है, जब हम भगवान से कभी कुछ ना मांगे और अपने आप को उनके ऊपर ही छोड़ दें। भगवान या बाबा जी कभी नहीं कहते हैं कि हम उन्हें माने, लेकिन फिर भी अगर हम चाहे बाबा जी के सत्संग भी जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि हम उनके आगे हाथ ना फैलाते हों, या मंदिर भी जाते हैं तब भी हम उनके आगे हाथ फैलाते हैं। जो मालिक ने देना है वो ऐसे ही दे देना है, उसके लिए हमें व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मालिक के ही बच्चे हैं और कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा भूखा रहे, और भूखे रहने से कौन से माँ बाप खुश हो जाते हैं। माँ बाप तो खुद बच्चों के लिए भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर कभी भगवान खुश नहीं होते हैं। आगे बाबा जी समझाते हैं, बेटा मेहनत करोगे तो दोबारा कारोबार सही चले निकलेगा, चिंता मत करो, जो मेहनत करते हैं मालिक उनके साथ हमेशा होता है। बाबा जी ने सेवादार को आगे बहुत समझाया और सेवादार की
पत्नी भी सब कुछ सुन रही थी। फिर बाबा जी ने इस भाई को लंगर की रोटी खिलाई और वहाँ से चले गए। गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी भी व्रत को सही ढंग से समझें और उसका कभी भी गलत मतलब ना निकालें। आशा है आप संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखेंगे जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।